Hello there, KP fam. What's up? And how you all are doing? So this is KP Science and welcome back to my channel, guys. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी टॉप 10 फेवरेट रेड लिपस्टिक्स. लाइक रेड, मरून, रेड के जितने भी शेड्स होते हैं मेरे फेवरेट, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. तो मैं अभी यहाँ पे हैंड स्वॉचेस इस लाइट में आपको दिखाऊंगी. नेचुरल लाइट में हर लिपस्टिक का स्वॉच आपको साथ के साथ दिख जाएगा, ताकि आप लोग फिगर आउट कर पाओ कि कौन सा शेड एक्चुअल में नेचुरल लाइट में किस तरीके का दिखता है. सो द फर्स्ट लिपस्टिक आई हैव हियर विद मी इज दिस वन. दिस इज द मामा अर्थ लिप सीरम्स. इसमें जो मेरा शेड है वो है 07 बीट इट रेड. हर चीज का आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो बेसिकली दीज आर लिप सीरम्स एंड नॉट लिप स्टिक्स, ठीक है. लेट मी जस्ट शेयर द स्वॉच विद यू गाइज. इस तरीके का इसका कुछ स्वॉच दिखता है. इसके अंदर आपको वार्म टोन्स मिल जाते हैं. वार्म टोन्स जो है वो इंडियन स्किन टोन पे मोस्टली बहुत अच्छे से सूट करते हैं. यू गाइज कैन सी दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. ये वाले जो लिप सीरम्स है ना, इनका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है. मतलब ये बिल्कुल लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह, मतलब लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह आपके स्किन लिप्स को ड्राई नहीं करते हैं, ओके. बिल्कुल भी ड्राइनेस आपको फील नहीं होगा. इस तरीके से आपको फील होता है कि आपने बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फॉर्मूला अपने लिप्स पे लगा रखा है, एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फील होता है आपके लिप्स पे. सो फ्रॉम द सेम रेंज आई हैव वन मोर शेड जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये इससे थोड़ा सा डार्कर टोन में है. वो शेड है 04, दैट इज चर्पी चेरी, अगेन फ्रॉम द मामा अर्थ लिप सीरम रेंज. ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा डार्कर, लाइक जो एक थोड़ा वैम्पी वाला शेड होता है ना, ये उस टाइप का शेड है. लेट मी जस्ट शो यू इट्स स्वॉच. आई मीन जस्ट टेक अ लुक. This shade looks so mesmerizing. Like कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक ऐसा शेड चाहिए होता है जो सिर्फ लिपस्टिक आपकी पॉप आउट करके लगे. बहुत सिंपल सा आपने मेकअप कर रखा है, ज्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए, उस केस में ना आप ये वाली लिपस्टिक लगा सकते हो. ट्रस्ट मी, ये थोड़ी देर के बाद ना कम्प्लीटली मैट हो जाती है, बट एट द सेम टाइम ये इस तरीके से फील होता है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. अगर मामा अर्थ के सारे लिप सीरम्स का आपको स्वॉचेस चाहिए ना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं वो जरूर बनाऊंगी. देन द नेक्स्ट लिपस्टिक आई हैव इज लाइक माय मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट अफोर्डेबल रेड लिपस्टिक इज दिस वन. दिस इज द ब्लू हेवन वाली मैट लिपस्टिक. ये बेसिकली एलिगेंस मैट लिप कलर है, एंड इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 01. लाइक ये सिर्फ आपको 99 और 100 रुपीज में मिल जाती है, बट इट्स कलर इज सो प्रिटी एंड सो ब्यूटीफुल. लेट मी जस्ट शो यू इट्स कलर. बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर है. यहाँ पे ना इस वाली पर्टिकुलर लिपस्टिक में आपको न्यूट्रल टोन्स मिल जाते हैं. लाइक इस वाली लिपस्टिक का बहुत ही ज्यादा, आई विल नॉट से वार्म टोन है या कूल टोन है, न्यूट्रल टोन है. तो अगर आपकी वार्म टोन्स के ना तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, कूल टोन्स के ना तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. यू गाइस कैन सी इसमें आपको न्यूट्रल टोन्स मिल जाते हैं. बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, लाइक जो प्रॉपर वाला जो रेड होता है ना, एक जो ब्लड रेड जिसको बोलते हैं, ये वो वाला शेड है. बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रॉपर रेड, लाइक ये वाला थोड़ा सा रेड की फैमिली का है ये वाला भी, बट दिस इज वन लाइक द मोस्ट अमेजिंग परफेक्ट रेड शेड. आई हैव इज दिस रॉम एंड 0 वेलवेट टिंट. ये बेसिकली एक लिप टिंट है, ठीक है. इसमें जो मेरा शेड है वो है 08, दैट इज आईसी. ये वेलवेट मैट टिंट्स हैं, ठीक है. ये मतलब इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही वेलवेटी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बट बिल्कुल लिपस्टिक्स की तरह आपके लिप्स पर दिखते हैं. दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. मैं आपको यहाँ पे इसका स्वॉच दिखा देती हूँ. बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, एक्सट्रीम लेवल का सॉफ्ट है. इसको ना आप एज अ लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो, एज अ लिप स्टेन भी यूज कर सकते हो, चीक टिंट भी यूज कर सकते हो, हर जगह में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. दिस इज हाउ इट लुक. इसमें ना रेड में हल्के से मॉव एंड मरून के टोन्स है, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है. ये थोड़ा सा ना जब ड्राई हो जाता है ना, तो मैट फिनिश आपके लिप्स को प्रोवाइड करता है, बट जब तक ये ड्राई नहीं होता, ये थोड़ा सा स्मज वगैरह हो जाता है, बिकॉज इट इज अ लिप टिंट, इट इज नॉट एक्जैक्टली अ लिक्विड लिपस्टिक. बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है लगाने के बाद. नेक्स्ट शेड आई हैव इज फ्रॉम मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लिपस्टिक्स, ठीक है. इसमें मेरा शेड है 07 रास्पबेरी स्कारलेट. इसके सारे शेड के स्वॉचेस मैंने कर रखे हैं, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहो तो आप वहां से देख सकते हो. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल शेड. मैं आपको इसका स्वॉच यहाँ साइड में करके दिखाती हूँ. इतना ज्यादा बढ़िया शेड है ना ये, इतना ज्यादा प्यारा है. लेट मी जस्ट शो यू गाइस. बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ये वाली लिपस्टिक्स, टूल मतलब लगाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है. दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, ठीक है. ये वाली पर्टिकुलर लिपस्टिक्स है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिप्स पे लगाने में बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल मैट फिनिश दे देती है, बट एट द सेम टाइम आपके लिप्स पे ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ मैट लगा रखा है. बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. दैट इज वाई लाइक मैंने सारे इसके शेड्स का स्वॉचेस किया था. आई टोटली लव दिस. और इसी सेम रेंज में मुझे इसका एक और शेड पसंद है, दैट इज 06 मेलन रेड, जिसका भी मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ.
अगेन ये वाली लिपस्टिक ट्रस्ट मी गाइज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप एक बिगिनर हो ना, आपको अभी लिपस्टिक लगाने की इतनी ज्यादा आदत नहीं है, तो आपको ये डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने एक लिपस्टिक लगा रखी, यू विल जस्ट फील दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। लाइक एक ऑरेंजी रेड शेड है, इसमें हल्के हल्के ऑरेंज की टेंट्स है, जो फेयर स्किन टोन पे ना, इसका वार्म टोन है, तो फेयर वार्म स्किन टोन पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है, एज यू गाइज कैन सी। नेक्स्ट शेड आई हैव इज दिस वन, दिस इज द नायका की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड महारानी, दी बेस्ट रेड शेड यू कैन एवर गेट, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट। लाइक जब ऐसा होता है ना, जब मुझे रेड शेड लगाना होता है, अगर मैं कोई बात करूं, मेरा एक ऐसा पर्टिकुलर शेड जो मैं हर बार पिक करूंगी इज दिस वन, दिस इज द नायका शेड महारानी। मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, आपको पता लग जाएगा कि ये वाला शेड पर्टिकुलर मुझे क्यों अच्छा लगता है। गर्मियों में ना, आई डोंट नो, लेकिन नायका की लिपस्टिक्स ना थोड़ी सी लिक्विड लिक्विड ही हो जाती हैं। आई डोंट नो, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डू लेट मी नो। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, बहुत ही प्यारा शेड है। लाइक आई विल से इट्स काइंड ऑफ अ रानी काला, बिल्कुल प्रॉपर रेड नहीं है, बट इसमें ना हल्के हल्के आपको पिंक के टोन्स मिल जाते हैं। डोंट वरी, आपको साथ के साथ स्क्रीन पे नेचुरल लाइट में दिख रहा होगा, अगर आपको यहाँ पे नहीं पता लग रहा कि शेड किस तरीके का, बहुत अमेजिंग है। नायका की लिक्विड लिपस्टिक्स मुझे इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ना बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हल्की सी ऑब्वियसली बात है, मैट लिपस्टिक है तो थोड़ा सा फील होगा कि आपको यू नो हल्का सा ड्राइनेस फील हो रहा है, बट 15-20 मिनट्स पहले आप लिप बाम एक बार लगा के अपने लिप्स से पूरे अच्छे से आप लिप बाम लगा सकते हो। एंड जब आप लिपस्टिक लगाने वाले हो, उस लिप बाम को वाइप करने के बाद आप लगाओगे ना, तो ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली फील कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। देन आई हैव दिस इनसाइट की प्राइमर मैट लिपस्टिक, मेरा जो इसमें शेड है वो है A8, दैट इज बेरी डांस, ठीक है। अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल शेड, लेट मी जस्ट शो यू इट्स वॉच, बहुत ही ज्यादा ये प्यारा शेड है। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, रेड है लेकिन इट हैज अ लिटिल बिट यू नो हिंट्स ऑफ पिंक इन इट, हल्के सा पिंक के हिंट्स है, क्योंकि ये बुलेट लिपस्टिक है ना, ये थोड़ी सी स्मज भी होती है, थोड़ी सी ट्रांसफर भी होती है, एंड इट इज नॉट कम्प्लीटली मैट मैट। ये बोलती है कि ये प्राइमेट मैट लिपस्टिक है, बट इज नॉट एक्चुअली मैट, कम्प्लीटली मैट नहीं है, थोड़ी सी स्मज और ट्रांसफर होती है, हल्की सी शाइनी है, आई कैन से सेमी मैट है, बिल्कुल भी ग्लॉसी भी नहीं है, बिल्कुल मैट भी नहीं है, दीज आर सेमी मैट लिपस्टिक्स। देन आई हैव इज दिस वन, ये मेबेलिन की जो क्रीमी मैट लिपस्टिक्स आती हैं, इसमें मेरा शेड है दैट इज डिवाइन वाइन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल यू नो डार्क सॉर्ट ऑफ शेड, लेट मी शो यू इट्स वॉच, बहुत ही ज्यादा प्यारा शेड है। अगेन मेबेलिन की एक ऐसी लिपस्टिक्स है ना, आई मीन यू गाइस कैन सी रेड, बिल्कुल जो डार्क ब्लड रेड होता है ना विद हिंट्स ऑफ मरून इन इट, उस तरीके का शेड है ये, ठीक है। जिन लोगों को बिल्कुल डार्क वाली लिपस्टिक्स लगानी अच्छी लगती है, जिनको थोड़ा आई मेकअप वगैरह करना अच्छा नहीं लगता, दे जस्ट वॉन्ट की इनकी लिपस्टिक बहुत ज्यादा डार्क होनी चाहिए, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। एंड द लास्ट लिपस्टिक इज दिस वन, दिस इज द इनसाइड मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक, मेरा जो इसमें शेड है वो है 11, दैट इज बॉर्न फ्री, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू इट्स वॉच, इसका एप्लीकेटर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपको यहाँ पे 2 foot sort of एप्लीकेटर मिल जाता है, एंड बहुत ही स्मूथ है टू अप्लाई, पिगमेंटेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है इसकी, दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है, एट द सेम टाइम ना एक स्वाइप में आपको इतनी बढ़िया लगती है, लिपस्टिक लगाने के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है कि बिल्कुल हल्का से ड्राइनेस कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको फील हो सकता है, बट अगर आप इसको लगाने से पहले, एज आई टोल्ड यू गाइज थोड़ी देर पहले, अगर आप इसको हल्का सा लिप बाम लगाने के बाद वाइप कर दोगे ना, तो बहुत अमेजिंगली वर्क करेगी। सो आई वॉज, मेरे को अभी ना 2-3 दिन से कॉमेंट्स आ रहे थे कि मेरे नेल्स इतने अच्छे कैसे हो गए, मेरे को ना हमें वीडियो में कमेंट आ रहे, दीदी आप तो कहते थे आपके नाखून बड़े नहीं होते, इतने अच्छे कैसे हो गए। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे नेल्स अच्छे कैसे हो गए, लेट मी जस्ट गिव यू अ लुक ऑफ माय नेल्स राइट नाउ। तो द रीजन मेरे नेल्स बड़े इसलिए नहीं होते थे क्योंकि मैं बाइट करती थी, मुझे नेल बाइटिंग की आदत है, तो जैसे ही हल्के से बड़े होते थे मैं बाइट करके उसको हटा देती थी, इसलिए मेरे बड़े नहीं होते थे। बट अभी मैंने, जैसे आपको पता, मैंने दिसंबर में अपना नेल एक्सटेंशन करवाया था अपने बर्थडे के टाइम पे, जनवरी में मैंने 15th या 20th जनवरी तक उसको हटा दिए थे, तो जनवरी से लेके अभी क्या चल रहा है, आई थिंक मार्च चल रहा है, ये सिर्फ इतनी ही ग्रोथ हुई है, यू गाइज कैन सी, ये सिर्फ इतनी ग्रोथ हुई है। मेरे नेल की ग्रोथ थोड़ी सी कम है क्योंकि 3 महीने में आप देख रहे हो, 3 महीने में लोग इतने लंबे लंबे नाखून हो जाएंगे, बट मेरे नहीं है, मेरी इतनी ही ग्रोथ है, एंड ये थोड़े अच्छे से लग रहे हैं बिकॉज मैं इनको प्रॉपर शेपिंग करके रखती हूँ, मैंने इसको यू नो थोड़ी सी ऊपर से प्रॉपर राउंड ओवर शेप दे के रखी है, इसलिए वो थोड़े से अच्छे लगते हैं। आपके भी अगर नेल्स ग्रोथ होते हैं ना, तो उसको आप प्रॉपर शेप करके रखा करो, वो बहुत बढ़िया लगेंगे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप इज योर top 10 रेड लिपस्टिक्स ही आपको अच्छी लगी होंगी, एंड इफ यू डू प्लीज नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।